गाइस अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल, माय ब्लॉग चैनल। तो कल है अलविदा जुमा और कल मुझे अफ्तार बांटना है और अफ्तार के लिए मैंने कुछ तैयारी की हुई है अभी, तो वो आप लोग को दिखाना चाह रहे हैं। इसके लिए मैंने भिगोए हैं चने, ये क्योंकि बहुत सारी अफ्तारी बांटनी है तो एक इसमें भिगोए हैं, और एक इसमें भिगोया हुआ है। दो भगोने में मैंने चने भिगोए हैं 2 किलो, और ये चने की दाल भिगोई हुई है कबाब बनाने के लिए। ये चिया सीड भिगोया हुआ है शरबत बनाने के लिए। सो आई लव चिया सीड जो शरबत में पड़ते हैं, बहुत पसंद है मुझे, बेतहाशा पसंद है। कल अलविदा जुमा है, कल यार कितनी जल्दी रमज़ान चला गया, और सब कहते हैं रमज़ान में वेट कम होता है। मेरा सिर्फ और सिर्फ 3 रोज़ा छूटा है और मैं सारे रोज़े रही हूँ, ठीक है। और वो भी छूटता ना मेरा रोज़ा, मेरी तबीयत एक बार बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, मुझे थोड़ा सा पानी ना पियो तो मुझे बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो मैं जब तक कर पाई, मतलब कि मैंने 19 रोज़ा तक मैंने रखा, फिर 20 नहीं रख पाई थी, 21 नहीं रख पाई थी, 22 भी नहीं रख पाई थी, 23 से फिर से मैं रोज़ा हूँ। डॉक्टर ने बोला है कि अगर आप पानी कम पियेंगी तो आपको प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो इस वजह से मैंने 3 दिन का गैप ले लिया, और अभी माशाल्लाह फिर से मैं 23 से रोज़े रखती हूँ, और अभी देखिए कब तक रख पाती हूँ, ठीक है। तो कल अलविदा जुमा है, बहुत जल्दी रमज़ान चला गया सीरियसली। मतलब अभी तो 2 दिन ऐसा लगता है, 2 दिन पहले मैं यहाँ बैठ के शेयरिंग कर रही थी और आप लोगों के साथ शेयर की हूँ मैं, और लोग कहते हैं रमज़ान में वेट कम हो जाता है, मेरा और बढ़ गया। इतना सारा खाते हैं यार, मतलब मैंने 15 रमज़ान तक सोचा कि बस अब मैं पकौड़ी सकौड़ी नहीं खाऊंगी, लेकिन जब घर से बन के आता सलोन में, और सब लोग, क्योंकि मैं सबके साथ रोज़ा खोलती हूँ, मैं मेरी जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं मैं सबके साथ बैठ के खोलती हूँ, मैं ही, मतलब मेरे यहाँ ऐसे जाता है, हम ही खुलवाते हैं उन लोगों को, तो अच्छा नहीं लगता कि अपनी डाइटिंग के चक्कर में हम उन लोग को भी जो है पकौड़ी सकौड़ी ना खिलाएं, तो अच्छा नहीं लगता है। तो उन लोग के चक्कर में मुझे भी खाना पड़ा, मतलब अब सामने रखा है तो कैसे ना खाएँ यार, मुँह में चला ही जाता है, एक खाओ फिर 2 की तलब लगती है, फिर 3 की तलब लगती है, 4 की 4 तो पकौड़ी खाते हैं, और जब शादी के बाद 4 पकौड़ियाँ खाना शुरू करो ना तो मुँह ऐसे ही हो जाता है। मतलब वो कितने अच्छे लोग होते हैं जो शादी के बाद मोटे नहीं होते हैं, लाइक बोलते हैं नहीं मेरा वेट नहीं बढ़ता है, हम कुछ भी खा लें, हमें थोड़ा सा कुछ ऐसा बताओ कि हम मोटे हो जाएँ, ऐसा लोग बोलते हैं। मुझे बड़ा शॉकिंग रहता है मेरे लिए कि यार कैसे शादी के बाद लोगों का वेट नहीं बढ़ता है। मेरी शादी हुई थी लिटरली गाइस, मैं 55 kg की थी, 55 kg, मतलब क्या फिगर था, ऐसा स्लिम ड्रीम सा फिगर। खैर बात की बात है, चलो जी नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं, सुबह आप लोग से मिलते हैं तैयारी के टाइम पे। यहाँ पे कबाब है, चने हैं, समोसे हैं, मीठे समोसे हैं, और यहाँ पे पैक किया जा रहा है सारा सामान देने वाला। ये हमारी सास बहुत काम करके बैठी है, सास तो साथ नहीं किया है। सास हमारे बहुत काम करती हैं, क्या बताएं, बहुत थक के बैठी हैं। क्या क्या बनाया माँ आपने, है क्या क्या बनाया, तो रहा क्या क्या। हमारी सास कुर्सी लगा के बैठ जाती है। सब आपको बहुत याद कर रहे थे कि आपकी सासू माँ कहाँ है, कुछ कहना चाहेंगी आप सबसे। अभी थके बहुत।
काम किए बहुत ज्यादा, थकी बहुत है। माँ का काम है इंस्ट्रक्शन देना, ये करो वो करो ऐसे करो वैसे करो, है माँ, उसमें माँ थक जाती है। नहीं बना अभी पूरा हो गया। हमने बनाया है कबाब, शामी कबाब और ये क्या कहते हैं चने। अब जा रहे हैं मोहब्बत के शरबत बनाने। ओके गाइस, तो कबाब बन चुका है, काले चने बन चुके हैं जो कि लग भी गए हैं, और अभी मैं सलोन के लिए अफ्तारी पैक कर रही हूँ। पैक करने से पहले दही बड़ा बनाना है, तो मैंने सोचा ना आप लोगों के साथ दही बड़े की रेसिपी शेयर कर दूँ, क्योंकि पिछले साल से लोग कह रहे हैं प्लीज़ आप अपनी दही बड़े की रेसिपी शेयर कर दो, मैं शेयर नहीं कर पा रही हूँ। फाइनली आज मैं आप लोगों के साथ दही बड़े की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, ध्यान से देखिएगा। सच में गाइस, इतने टेस्टी मेरे दही बड़े बनते हैं ना, अगर आप लोग को खाना है तो मेरे सलून ज़रूर आना दही बड़ा खाने, ठीक है। मैं बहुत टेस्टी बनाती हूँ, मतलब ऐसे दही बड़े इतने सॉफ्ट, इतने स्पॉन्जी, एकदम फ्लेवरफुल वाले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आज का दही बड़ा अच्छा लगेगा तो ज़रूर बताइएगा। अच्छा ट्राई करिएगा, और ट्राई करके अपने घर पर अगर आप ट्राई कर रहे हैं तो मुझे ज़रूर इंस्टाग्राम पे बताइएगा कि अभी मैंने ट्राई किया है कैसा बना। जैसे मैं बताऊँगी सेम टू सेम वैसा बनाना, इतना अच्छा बनेगा ना कि लोग आपकी तारीफ़ों के पुल बांध देंगे, जैसे मेरे बांधते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको ले लेनी है उड़द दाल, इसको माश की दाल भी कहते हैं। मैंने इसे 2 घंटे के लिए भिगो दिया था पहले, वो मैं दिखा रही हूँ। अभी आपको इसे पीस लेना है मिक्सर में, जो भी आपके पास छोटा वाला मिक्सर जो होता है जिसमें चटनी पीसते हैं, उसमें मैं ये पीस लूँ ताकि अच्छे से महीन सब पीस जाए। आप चाहो तो बड़े वाले में पीस लो। उसके बाद इसमें मिलाएंगे 1/2 कप पानी, और आप इसमें डालेंगे कुछ मसाले, क्योंकि जब आपके बड़े में मसाले पड़े होते हैं ना तभी बड़ा खाने का मज़ा आता है। तो यहाँ पे देखो, मैं ना मुझे अंदाज़ है कि मुझे कितना डालना, आप 2 से 3 चम्मच इसमें चाट मसाला डालना। चाट मसाला बहुत बड़ा रोल प्ले करता है दही बड़े में। फिर थोड़ी सी काली मिर्च, 1/2 चम्मच काली मिर्च का पाउडर, 1 चम्मच नमक स्वाद अनुसार, ठीक है। उसके बाद लाल मिर्च का पाउडर, और इन सबको आपको कर देना बहुत अच्छे से मिक्स। थोड़ी देर के बाद आपको मिक्स करना है, मतलब कि इतना मिक्स करना है जो अंडा फेंटने वाला होता है ना उससे आपको मिक्स करना है। मैंने इतना इसको फेंटा है कि जब आप इसे पानी में डालोगे ना तो ये नीचे बैठना नहीं चाहिए पानी में, ये मतलब तैरना चाहिए, कि आप नीचे नहीं बैठ रहा है, ये पानी के ऊपर के हिस्से में नीचे नहीं बैठ रहा है। तब समझिए कि आपने अच्छे से इसको फेंटा है। तेल को बहुत गर्म करेंगे पहले, बहुत गर्म करने के बाद उसको मीडियम कर देंगे जब आप बड़े डालोगे, ताकि आपका बड़ा जो है जले ना। तो मीडियम आंच पे ही आपको इसे सेकना है, हाई पे नहीं सेकना है, नहीं तो आपके बड़े अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तेल को एकदम हाई कर लेना, फिर मीडियम करना जब आप इसमें बड़े डालोगे। तो अभी देखिए 1/1 मैं इसमें बड़े डाल रही हूँ, और आप चाहो तो चम्मच की हेल्प से भी डाल देना। देखो भाई, मुझे चोचला बनती नहीं पसंद है, ऐसे अपने हाथों से डालती हूँ, वैसे भी वो गोल गोल बन जाता है। उसके बाद ये देखिए गोल्डन फ्राई हो गया। अभी बारी आती है दही बनाने की, तो दही जो इसकी है वो भी तो भाई सबसे बड़ा, देखो इसमें दोनों का रोल बहुत ज़्यादा होता है, बड़े में भी टेस्ट आना चाहिए और दही में तो और ज़्यादा आना चाहिए। तो ये मैंने एकदम ठंडी दही लिया है, इसमें मैंने 8 चम्मच आप समझिए कि मैंने चीनी डाली है, 1/2 किलो से ज़्यादा दही थी इसमें। मुझे मीठे वाले दही भरे उसमें थोड़ा सा तीखा बन रहे तो वो मज़ा आता है। पानी डाला, बहुत पतली नहीं करनी आपको दही, हमेशा याद रखिएगा, मतलब थिकनेस उसमें बरकरार रहे। उसके बाद इसमें डाला है खड़े मिर्च का और लहसुन का पेस्ट, जो हम लोग लाल वाली चटनी बोलते हैं, 3 चम्मच डाला है। इसे मिक्स किया, ये इतना बढ़िया फ्लेवर देता है ना आपके दही में कि मैं बता नहीं सकती। अब इसमें आपको डालना है चाट मसाला 3 चम्मच के करीब, या फिर 2.5 चम्मच के करीब आप चाट मसाला डालना। आप ये मत कहना बहुत गंदा हो गया आपका प्लेटफॉर्म, ओ माय गॉड बहुत गंदगी है, देखो भाई मैस हो जाता है बनाते बनाते, बाद में मैं सब क्लीन कर देती हूँ। अब बड़े आपको पानी में डाल देने हैं और इस तरीके से उसे प्रेस करना ताकि बड़े के अंदर पानी पहुँच जाए अच्छे से। बहुत से लोग
नमक का पानी और ये डालते हैं, लेकिन ये सब कुछ नहीं करना है क्योंकि आपके बरे में पहले से ही फ्लेवर है। तो ये देखो बरा मेरा ना पानी पी चुका बहुत अच्छे से। आप इसे हल्का सा स्क्वीज़ करेंगे कुछ इस तरीके से निचोड़ के, और इसे पूरे जिस बर्तन में आपको रखना है बनाना है उस बर्तन में आपको इसे क्या कर लेना है, असेंबल कर लेना है। और ये इतने ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे जब आप इसे पानी में पुश करोगे तो ये अंदर से पानी पी लेगा। उसके बाद पानी को इसको निचोड़ देना है, ठीक है। अब मैं डाल रही हूँ दही। आप कोशिश करो दही बड़ा ठंडा ठंडा खाने का। ये मैं बहुत चटनी उटनी वाला नहीं बना रही हूँ कि वो सब बनाते हैं, आप एक बार इस टाइप का बना के देखिएगा, बहुत तारीफ़ें होंगी यार, मेरी तो बहुत होती है। यहाँ पे मैंने भुना हुआ ज़ीरा डाला है और उसके बाद मैंने इसके ऊपर डाला चाट मसाला। चाट मसाला तो इसका मेन इंग्रेडिएंट है, ठीक है। उसके बाद हल्की सी काली मिर्च, बहुत ही लिटिल बिट वाली। उसके बाद यहाँ पे मैंने डाला है लाल मिर्च का पाउडर, बहुत कम, बस डेकोरेशन के लिए। और ये मेरा बन गया दही बड़ा। गाइस तो यहाँ पे देखिए रोज़ा इफ्तार की आज पार्टी है। मोना रोज़े से है, ये रोज़े से नहीं है मैम। अफ्तार वगैरह ख़त्म हो चुका, पार्टी ख़त्म हो गई। मेरे कपड़े पे गिर गया था दही बड़ा, तो मैंने चेंज करके ये वाला पहन लिया। ये है आगा नूर का पाकिस्तानी, ओरिजिनल पाकिस्तानी सूट, एंड आई लव इट, लव इट। देखिए आज मेरे सलून में कौन आया है, साबरा। साबरा साबरा हमारी आधी वो है भाई, बता नहीं सकते, हमारा आधे से ज़्यादा काम करती है साबरा, हमारा दिल है साबरा दिल। लेकिन जब साबरा कहती है भाभी आज नहीं आएंगे तो हमारा दिल टूट जाता है। ओके गाइस, तो वहाँ से आने के बाद मुझे जाना पड़ा, जाना नहीं पड़ा, पहले से प्लान था जाने का आज रात को सेरी करने बाहर। तो शमापी भी आ रही हैं, शादी भाई भी आ रहे हैं, शमापी के हस्बैंड, उनकी लड़की भी आ रही है सारा, क्योंकि आज सारा का बर्थडे है तो उसे गिफ्ट भी देना है। तो रात का हम लोगों ने प्लान बनाया कि रात को ही सेरी साथ में मिलके करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग आ गए छोटे मामबाड़े पे, हम लोगों ने वहाँ पे खाया है नारे कुलचा और अब बिरयानी खाने जा रहे हैं। शमा का ये तो कोई शमा है, मेरा शमा से कोई झगड़ा नहीं हुआ है। सब कह रहे शमा से झगड़ा हो गया इसीलिए नहीं आया। गायब क्यों हो गई है? शमा से मेरा कोई झगड़ा नहीं हुआ है, यहाँ बिरयानी है। हाँ बस शमा मोटी बहुत हो गई है, शमा ने 5 कुलचे खाए हैं, सोच सकते हो 5 कुलचे। तुम सुबह से खाली गिना दो क्या क्या खाई हो। बताओ क्या है, हम कुछ नहीं खाते हैं, वो भूखी रहती है। अच्छा तो ये मोटापा कैसे आया, इसका राज बताइए आप। अपना मोटापा देख लो पहले। हाँ तुमसे तो दुबले हैं अम्मा। टेंशन बहू ऐसी आ गई, क्या कहें, शुगर हाई हो गई हमारी। देखो कहो ना मेरे सब्सक्राइबर जब कुछ कहेंगे ना फिर कहना नहीं कुछ, समझी। बहू बहुत बुरी आ गई है, अल्लाह से डरो शम्मा। उनको देखो किसी शायद टुकड़ा खा रहे। सलाम अलैकुम। सलाम अलैकुम। बोल दो यार, सब बहुत मिस कर रहे हैं तुम्हें। सब कह रहे हैं शमा पी का ब्लॉग बहुत अच्छा लगता है। तबीयत की वजह से हमने डालना बंद कर दिया, सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो तो काफी हेल्थ इश्यूज होने लगे थे, तो डालना भी कुछ ही। फिर वो प्रॉपर नहीं, मतलब रेगुलर नहीं हो पा रही थी ना, तो फिर इसलिए नहीं रहा। दिन डालो फिर हफ्ते भर दर्द में रहो। लिया शमा पिकाए नहीं, ब्लॉग बना रही है। मेरा कोई झगड़ा नहीं हुआ। हाँ भैया झगड़ा नहीं हुआ, हम लोग बहुत प्यार से रह रहे हैं, वैसे ही हंसते हैं, वैसे ही बोलते हैं, झगड़ा नहीं हुआ है, और कुछ नहीं है। हुआ क्या कि बच्ची का एग्जाम चल रहा है, घर भी नहीं आ पा रही, और फिर हम भी बिजी रहते जब ये आती है। उनका पार्लर हो गया तो ब्लॉग बनाना भी उन्होंने बंद कर दिया घर में। घर में ब्लॉग हमारे बने ही कहाँ है, जब नहीं बनते ना बर्थडे हो रही है ना कुछ हो रहा है, वो सारा दिन तो पार्लर में रहती है। जब ये घर आती है तो हम पार्लर में रहते हैं, हम पार्लर जाके खुद मिलते हैं। तो ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं, आप लोग दिल पे ना लीजिए बात को, और हम लोग अभी इंजॉय कर रहे हैं माशाल्लाह। आज भी सोचिए इतना, अगर सारा का बर्थडे ना होता तो आज भी हम लोग ना मिल पाते, क्यों शायद मम्मी नहीं मिल पाते,
वो तो सारा कल कहा कि चलो चले ना था, तो हम लोग इतना जागते ही नहीं है, वो तो इन्होंने बोला तो हमने कहा आज सारा का बर्थडे तो आज ही मिलना होगा, उसके बाद तो फिर ये बिजी हो जाएंगे, फिर नहीं मिल पाएंगे, इसलिए आज हम लोग आए, आज हम लोग अब इंशाल्लाह आज आज आए, मतलब मेरे ख्याल से 8-9 महीने बाद साथ में आए। सही बात, हाँ ये बात तो हकीकत है ना, नहीं एक साल हो गया, सलोन एक साल हो गया, एक साल के बाद हम दोनों साथ में निकले हैं। सही बात, क्योंकि साथ में निकले ही नहीं गई जब से सलून खुला है, इसी वजह से व्लॉग में नहीं आ पा रहे हैं, तो ये है हकीकत हम लोगों की। बात नहीं कह गई, हाँ यार हम लोग वो टिपिकल वाली भाभी और ननद नहीं है, जो अगर कुछ बुरा भी लगता है तो मुंह पे बोल दिया जाता है, ये गलत है ये सही है, इस टाइप का है। बहरहाल इंजॉय करें। ओके गाइस, तो ये था मेरा आज का व्लॉग, हम लोगों ने घंटा घर पे बहुत सारा टाइम बिताया और यहाँ 5 बज रहा है, लेकिन 5 नहीं बज रहा था, 3 बज रहा था, घंटा घर की घड़ी ख़राब थी। तो कैसा लगा आज का व्लॉग, ये देखिए खूबसूरत सा नज़ारा रात का। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रख।